नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ में वो सब कुछ दिलाने का महत्वपूर्ण तरीका है जिससे आपका जीवन प्रेम से उत्पोत हो सके। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और आपका दाम्पतिक और मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से रिपेयर किया जाता है। या यूं कह लो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर पिछले 200 सालों से लगातार निरंतर बार बार हर बार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस यात्रा को अभी तक जारी रखा गया है। ये लव विद एस्ट्रोलॉजी की यात्रा अनेकों प्लेटफॉर्म्स पे चलती रही है, टेलीविजन, रेडियो, पेपर इत्यादि, मैगजीन इत्यादि की बड़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहे हैं, अभी भी हैं। अभी कुछ टाइम से YouTube पर भी इसका आगाज किया गया, उसके अंदाज का परिणाम ये है कि हम 3 लाख के ऊपर चल रहे हैं। आज हमारे परिवार में 3 लाख से ज्यादा लोग हैं, यानी 3 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 4000 से ऊपर लोग काम करते हैं, जिसमें से तांत्रिक, मांत्रिक, पूजा करने वाले, पंडित पुजारी, रिसर्च करने वाले, एडिटिंग करने वाले, IT के लोग, कॉल सेंटर के लोग, प्रोडक्ट बनाने वाले, पैकेजिंग करने वाले, शिपिंग करने वाले, सारे कुछ मिला के 4000 लोग काम करते हैं। हम लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, यहाँ तक कि भोजपुरी, बिहारी, उड़ीसा, आसामिस्ट और बंगाली लैंग्वेज तक में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस बात का एश्योरेंस आपको दिया जाता है कि हर चीज प्रामाणिकता के साथ मिलती है आपको। यहां बीता, वेद, पुराण, परिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है। यहां वो मटेरियल आपके सामने साझा किया जाता है जिससे आपके जीवन में प्यार से संबंधित, रिलेशन से संबंधित, रिश्तों से संबंधित हर समस्या का सीधा समाधान हो जाए। हर एक चीज का अपना एक बड़ा मतलब है, हर चीज के पीछे बहुत बड़ा कारण है, हर चीज एक महत्वपूर्ण बल प्रदान करने का साधन है। दुनिया में कोई भी चीज पाना मुश्किल नहीं है। जब तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ है, मुसीबत है, संकट है, तो उसका समाधान, निदान बिल्कुल आसान है। रोग तब तक लाइलाज है जब तक उसको डायग्नोस न कर लिया जाए। डायग्नोस करने के बाद वो आसान हो जाता है। किसी भी कारण का निवारण तब सुलभ होता है जब उसके पीछे का रीजन पता हो आपको, हुआ क्यों। कभी आपके नेचर की वजह से, कभी व्यक्तित्व की वजह से, कभी भाषा की वजह से, कभी स्वभाव की वजह से, कभी क्रोध की वजह से, कभी आपके अपने नेचर और व्यक्तित्व के आधार पर, और कभी कभी आपके प्रीवियस लाइफ और आपके कार्मिक अकाउंट के आधार पर ग्रह अपना फल देते हैं और आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ खराब हो जाता है। इन सबको ठीक करने का समाधान मैं रोज सायंग 4 बजे आपके सामने साझा करता हूं। आज फिर से हाजिर हूं, आज फिर से एक अद्भुत सोल्यूशन, एक अद्भुत साधन लेकर के आपके सामने खड़ा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा सोल्यूशन है जिसे करते ही आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होगा, एक अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके हाथों में 2 उंगलियां ऐसी हैं जो आपके खुद का रिप्रेजेंटेटिव है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो उनको उसी उंगली से अपनी पहचान बतानी होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंगूठों की, हाँ मैं बात कर रहा हूं थंब की, हाँ मैं बात कर रहा हूं अंगुष्ठ की, उस उंगली की जो आपकी अपनी इंडिविजुअल पहचान है। किसी को चेयरअप करना हो थम्सअप करते हैं, किसी को बहुत महत्वपूर्ण बात विश करनी हो तो थम्सअप करते हैं, अपनी ID प्रूफ बतानी हो तो अंगूठा लगाते हैं। यहाँ तक कि आज की डेट में किसी भी जगह आपके अपनी पहचान का सबसे बड़ा बल अंगूठा है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें अंगूठे के निशान को देकर के आपके पूरे के पूरे भविष्य का निर्माण कर दिया जाता है, आपके पूरे के पूरे भूत भविष्य वर्तमान का बखान कर दिया जाता है।
हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाड़ी शास्त्र की। नाड़ी शास्त्र में केवल अंगूठे का निशान लेते हैं और आपके बाबा पर बाबा तक के नाम तक के बता देते हैं। अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष में, अंग शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष में, प्राचीन ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अंगूठे का। अंगूठा आपके जीवन में तो महत्वपूर्ण है ही, अंगूठा आपकी पहचान के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अंगूठा ज्योतिषीय आधार पर आपकी अपनी इंडिविजुअल पहचान तो है ही, आयुर्वेद के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए भी आपकी रीढ़ की हड्डी अंगूठे के पीछे का स्थान बनाती। यानी आप जो भी हो, ज्योतिष में आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को अंगूठे के झुकाव से, अंगूठे के एडजस्टिंग से पता करते हैं। अंगूठा कैसा एडजस्ट हो रहा है, कैसा झुक रहा है, कैसा टाइट हो रहा है, उससे पता चल जाता है, इसका आइडिया लग जाता है। अब समझने की बात आपको यह है कि अंगूठे में, आज मैं कह रहा हूं कि इन दोनों अंगूठों में एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसे लगाकर रात में सो जाना है, मात्र सिर्फ और सिर्फ रात में इस अंगूठे में वो वस्तु लगाकर सो जाने मात्र से आपके जीवन में वो सब संभव है जो आप करना चाहते हो। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि तुम और तुम्हारा पार्टनर दो नहीं है, एक हो। आज मैं कह रहा हूं कि आपके शरीर का आधा हिस्सा आपके पार्टनर का है और आधा हिस्सा आपका है। भगवान शिव की एक मूर्ति है जिसमें अर्धनारेश्वर का रूप दिखता है, आधा भगवान शिव दिखते हैं और आधा माता पार्वती दिखती है। भगवान शिव और माता पार्वती का आधा आधा अंग दिखता है फोटो में, अर्धनारेश्वर कहते हैं उसको। उनका उस रूप और स्वरूप का वास्तविक मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में तुम ही भी अर्धनारेश्वर लेके घूम रहे हो। तुम्हारा बायां अंग तुम्हारे पार्टनर का है और दाहिना अंग तुम्हारा है अगर तुम पुरुष हो तो। अगर तुम स्त्री हो तो बायां अंग तुम्हारा है और दाहिना तुम्हारे पार्टनर का है। इसीलिए आप अगर अंग प्रत्यंगों को नापने की कोशिश करें तो देखिएगा आप दाहिना और बायां छोटा बड़ा है, एक अंग छोटा है एक बड़ा है। चाहे तिल के बराबर ही फर्क हो पर दोनों अंगों में फर्क है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो आज का ये जो सम्मोहन है वो आपके अंगूठे से बनेगा और आप अपने पार्टनर को और अपने खुद को एक दूसरे के साथ बांध पाओगे, एक दूसरे के साथ एक कर पाओगे, गठबंधन कर पाओगे। उनको अपना बनाने के लिए जीवन पर्यंत के लिए बांध कर रख सकते हो। उन्हें अपना बनाने के लिए आप वो सारे के सारे संसाधन क्रिएट कर सकते हो जिससे आपका पार्टनर सिर्फ आपका हो जाए। पार्टनर धोखा दे रहा हो तो भी, दूर जा रहा हो तो भी, आपसे ईर्ष्या कर रहा हो तो भी, द्वेष कर रहा है तो भी, अपने वादे से मुकर रहा है तो भी, पीछे हट रहा है तो भी, आपका साथ नहीं देता, बात नहीं करता, मानता नहीं, प्यार नहीं करता, आपका सपोर्ट नहीं करता, सहयोग नहीं करता, आपको इज्जत सम्मान नहीं देता, हर हाल में आज आप जीत जाओगे। आपकी जीत निश्चित हो जाएगी सिर्फ इतना मात्र कर लेने से। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि इन दोनों अंगूठों में एक वस्तु बता रहा हूं, उसे रात में अप्लाई करके सो जाना है मात्र। जिस समय आप अप्लाई करेंगे उस समय एक शब्द बोलना है और ये प्रॉपर पूरे मन से अप्लाई कर लेना है। अंगूठे की महिमा बहुत बड़ी है। मेरे द्वारा बनाई हुई थंब रिंग वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें पूरा अंगूठे का ही विस्तारण बताया है मैंने, अंगूठे के बारे में ही पूरी की पूरी चर्चा की है। अंगूठा छोटी बात नहीं है, अंगूठा सामान्य वस्तु नहीं है। अंगूठे को आप सिर्फ आईडी प्रूफ मत मानना, ज्योतिष में यही एक ऐसा स्थान है जिससे आपके प्यार का पता चलता है। अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र का भाव है और शुक्र से पता चलता है कि आपके जीवन में कितना प्रेम आएगा, कितना रोमांस होगा, कितना आकर्षण होगा, कितना सम्मोहन होगा और कितना आप एक हो पाएंगे, आपके जीवन को कितना प्यार मिलेगा, वो सब अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन से पता चलता है जो शुक्र का पोर्शन है। शुक्र अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन को ही कहते हैं। शुक्र ही है जो आपको लग्जरियस लाइफ, सुंदरता, एजुकेशन, यस, मान सम्मान, बहुत सारा नाम और बहुत सारा प्यार, आपके प्यार में सफलता, ये सब शुक्र ही देता है। उसी की बात हो रही है आज, उसी पे चर्चा कर रहा हूं मैं। आज मैं कह रहा हूं कि इस अंगूठे में ये वस्तु केवल अप्लाई कर ले मात्र, रात में सुबह होते ही उसका चमत्कार आप स्वयं देख पाएंगे। सुबह होते ही आप इस वस्तु का प्रभाव अपने जीवन में स्वयं देख पाएंगे। भारतीय ज्योतिष कहती है
कि अंगूठे का सीधा संबंध तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध से है, तुम्हारे नेचर और स्वभाव से है। आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी बातचीत, आपका ढंग, आपका क्रोध, आपका जो अंदर की एंजाइटी है जो आपकी बातचीत में आ जाती है, वो ना आए अगर तो आप जीत सकते हैं। आपका स्वभाव बेहतरीन हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि वशीकरण, क्योंकि वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। क्या वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। कठोर बोलना, तीखा बोलना, खराब बोलना, गंदा बोलना, ये अगर त्याग दें तो समझो सामने वाले को आप वश में करना सीख गए, ऐसा शास्त्र कहता है। आपने पढ़ा होगा ये। ऐसी वाणी बोलिए, कैसी वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। जब आप मीठा बोलते हैं, बेहतरीन बोलते हैं, तो दूसरे तो आप उस बात का आनंद लेते ही हैं, आप स्वयं भी उस खुशबू से, उस महक से, उस गंध से आप भी आनंदित होते हैं। तो सीधा कहे तो आज वाणी सम्मोहन है, आज सीधा कहे तो आपके स्वभाव का सम्मोहन है, आज सीधा कहे तो आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के सम्मोहन से आपके प्यार का आकर्षण है। आज का प्रभाव सबसे ज्यादा बलवान है, आज का उपाय सबसे ज्यादा ताकतवर है। आपकी अपनी विशुद्धि में, आपकी अपनी शुद्धिकरण में, आपकी अपनी एंजाइटी और आपके अपने निर्माण में, आपकी एजुकेशन में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है आपको ये बात अभी तक समझ नहीं आई हो, पर अब समझ में आएगी यहां की बात से। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी बातों को समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको इधर। जितनी देर आप रुकोगे, इस बातचीत को जितनी देर तक कंटिन्यू सुनते रहोगे, उतनी जल्दी समझ पाओगे, उतनी जल्दी समझ में आएगा, उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये विषय आपका अपना इंडिविजुअल विषय है। प्यार तुम्हारा, जीवन तुम्हारा, लाइफ तुम्हारी, संसार तुम्हारा, घर तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, पर कोई थर्ड पर्सन है जो आपके लिए जीने की बात करने लगा है आज, कोई थर्ड पर्सन है जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो कोई थर्ड पर्सन है जो आपको बेहतरीन बनाने के लिए प्रयत्नशील है। साथ दीजिए ना, जैसे चला रहा हूं तुम बस चलते जाओ, जैसे घुमा रहा हूं तुम बस घूमते जाओ, जैसे संभाल रहा हूं तुम संभलते जाओ। 20-30 सालों का तुम्हारा अभ्यास है ना, उस अभ्यास को तोड़ने में समय तो लगेगा, जल्दबाजी से नहीं हो पाएगा ये काम। जितना इस विषय में तुम जल्दबाजी करोगे उतना डगमगा जाओगे। आज फिर तुम्हें कसम दे रहा हूं तुम्हारे सच्चे प्यार की, किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना, बंद कर दो अभी के भी, और अगर मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना। क्यों? क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम भ्रमित हो जाओगे, तुम डगमगा जाओगे, तुम्हारी चीजें खराब हो जाएंगी, तुम हाथ से निकल जाओगे, ना ही तुम वहां से कुछ बेनिफिट ले पाओगे और ना ही यहां से बेनिफिट ले पाओगे। तो फायदा क्या है ऐसे काम से, लाभ क्या है ऐसे कार्य से, आपका नुकसान होगा इसमें, आप हार जाएंगे, वो मैं नहीं चाहता। ये व्यवस्था बहुत अंतरंग की है। माते व रक्षत पिते व हिते नियुंगते कांते वचा भ्रमयच्छपनी वखेतम कीर्तिश्च दिक्षु बिमलाम विदनोति लक्ष्मी किम किम न साधयेत कलपलते व विद्या। ये वो साधना, ये वो विद्या, वो साधन तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ जो बहुत गहराई से निकाल करके लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें मूल्यवान बनाना, तुम्हें जिताना, तुम्हें श्रेष्ठ बनाना, तुम्हें सुंदर बनाना, तुम्हें बेहतरीन बनाना, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी दाम्पत्य और पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में और प्यार ठूस कर भर देना, यही तो काम है, इसी पर तो वर्क कर रहा हूं मैं। हर दिन तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, हर दिन तुम स्ट्रांग होते जा रहे हो। सत्य मानना, केवल और केवल इन्हीं उपायों से बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन परिवर्तित हो गया है, आप रोज सुनते हो अनुभव। आज आपकी बारी है, संभल जाओ,
ठान लो ये कि तुम्हें बेहतर होना है, ठान लो ये कि तुम्हें ये पाना है। क्यों हार मानते हो भाई? तुम उस देश के रहने वाले लोग हो जहां पर सतियों ने, महिलाओं ने भगवान को भी कह दिया रुक जाओ, अभी मेरा पति जाने के लिए तैयार नहीं है, अभी इसकी आयु पूरी नहीं हुई। और इतना ही नहीं, ये कह दिया जाओ अभी मैंने आदेश दिया नहीं है इनको जाने का। भूल मत जाना सत्यवान सावित्री को। सत्यवान सावित्री मतलब पता है ना, वही सावित्री की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने पति सत्यवान के लिए यमराज को बोल दिया था रुक जाओ अभी समय नहीं हुआ इनके जाने का। जब इतनी शक्ति रही है यहां की महिलाओं में, देवियों में, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं कि तुम नॉर्मल लोगों को कह दो कि भाई रुक जाओ ये हमारा है। हाँ, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतना बल, इतना दृढ़ संकल्प तो रखना ही पड़ेगा। इतनी तो जरूरत ही है कम से कम, इससे कम में काम नहीं चलेगा। सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक को कुमारा रखना और एक को हमारा रखना। इतनी ताकत, इतना बल, इतना पौरुष तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें अपने अंदर। सीधा तुम्हें उपाय को और लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जय गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे को कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पॉजिटिव दिखा है, और कृपा आपकी बनी रहेगी तो सब चीज़ें आगे भी अच्छी होंगी। मुझे बस पॉजिटिव बनाए रखो, मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखो गुरुदेव। थैंक यू सो मच। जितना भी काम हुआ, जैसे भी हुआ, बहुत अच्छा लगा आज। मैं बहुत खुश हूँ आज गुरुदेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुदेव। थैंक यू सो मच टू यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और बहुत सा कुछ नहीं होता, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई तराजू नहीं है। किसी भी चीज़ का आगाज हो गया है तो अंदाज बन ही जाएगा, प्रारंभ हो गया है तो अंत तक पहुंच ही जाएगा। शुरू होना ही इस बात का अंदेशा है कि काम किया जा रहा है। इससे पहले सफलता आपको कभी नहीं मिली, इसके पहले आपको कभी ये बात नहीं समझ में आई। प्रयास तो आपने पहले भी बहुत किए। कई एक मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक और बहुत सारे आडंबरियों के पास गए, पर हो सब तो नहीं मिला आज तक आपको। यहां पहुंचते ही आपके साथ ये अंदाज शुरू तो हुआ है, आगाज भी बनेगा। चिंता मत करिए, हर चीज की शुरुआत ही अंत को निश्चित करती है। आनंद से रहे, भगवान शिव तुम्हें सदबुद्धि दे और खूब आपको सफलता प्रदान करे। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज अपने अंगूठे पर ये अप्लाई कर लो, और ये अप्लाई करने का साधन बड़ा सरल है। आज से सरल उपाय तुम्हें कभी मिला नहीं, और ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर और सबसे सबसे पावरफुल काम है। अब आपको करना ये है कि जब ये उपाय करें उसके पहले अपने हाथ खूब अच्छी तरीके से साफ स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा महत्वपूर्ण तरीका बता रहा हूं, प्लीज इसको तरीके से करना, इसमें बिल्कुल डगमगा मत जाना। असली और सही देसी घी की जरूरत होगी, बस थोड़ा सा देसी घी आप अपने मुंह में रख लीजिए। आप जमा हुआ देसी घी मुंह में रखेंगे, आपके मुंह के गर्माहट से वो पिघल जाएगा। बस उस पिघले हुए देसी घी को दोनों ही अंगूठों पर अप्लाई करना है रात में, और जो मैं कह रहा हूं उसे बोल देना है। उसके बाद आप देखिएगा, आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, पार्टनर वैसा ही करेगा। सत्य मानो, इससे बड़ा वशीकरण, इससे बड़ा सम्मोहन, इससे बड़ा आकर्षण बना ही नहीं है पूरी दुनिया में, ये कह रहा हूं मैं। वो मंत्र समझ लो, मंत्र तो कहने की बात है, शब्द एक है, चमत्कार है। लेकिन इसमें क्या बोलना है? इदम महम सर्वम महम। क्या बोलना है? इदम महम सर्वम महम, यही चाहिए सदा चाहिए। क्या बोलना है? क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं यही चाहिए सदा चाहिए, इस मंत्र का मतलब है। आप बोलिए और अप्लाई करके प्रारंभ करिए सोना। बस रात भर उन शक्तियों को काम करने दीजिए। गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी,
गुरु की कृपा और करुणा की आवश्यकता होगी। कोई भी उपाय काम तब करता है जब गुरु की शक्तियाँ लगती हैं। कोई भी सोल्यूशन काम तब करता है जब गुरु पावरफुल होता है। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपो न को रखवारा। तब बल अगर आपके गुरु में है, उसकी शक्तियों में दम है, अगर गुरु शक्तिशाली है तो शिष्य शक्तिवान होगा। निश्चिंत रहिए, खूब आनंद से करें, खूब प्रसन्नता से, आनंद से, वैभव से, संपन्नता के साथ करना। संपन्नता तुम्हारे मन और मस्तिष्क की चाहिए, हृदय की उदारता चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए। मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करना। सुंदर कितना कि रात में भी कोई फोटो खींचे तो आप फोटोजेनिक आने चाहिए, किसी और के लिए नहीं, खुद को आदत डालिए सुंदर बनने की। हर आधे घंटे में पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी भी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। और एक बार रोने से 21 दिन 21 डेज का उपाय, सल्यूशन, पूजा पाठ, सत्कर्म सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम ग्रहों को आदेश देते हो कि भाई हम तो बुरे ही रहना चाहते हैं, हम तो रोना चाहते हैं, हम तो दुखी होना चाहते हैं, हमारे साथ अच्छा होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा होने लग जाता है। ऐसा बिल्कुल मत करना, अपना ख्याल रखना। छोड़कर जा रहा हूँ उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन चिंतन्स में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।